और क्या हालचाल है मेरे शेरों सब कुछ बढ़िया ना। ओके, तो सबसे पहले सॉरी क्यों? क्योंकि मैं 4-5 दिन से लगातार वीडियो नहीं डाल रहा हूँ और इसका रीजन है अच्छा ठीक है नहीं बताते हैं फिर काम की बात करते हैं। वैसे किस बारे में है आज का वीडियो वो तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया रहेगा। अभी वीडियो भी देख लेते हैं। लगाओ। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा किस तरह फ्लॉप हुआ क्या करेगा मैं पहले से फेमस था शाने। OnePlus की तरफ से Nord CE 2 आया है, वीडियो देखा उसका? अच्छा देख भी लिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम उसके बारे में नहीं दोनों के बारे में बताएंगे, OnePlus Nord CE और OnePlus Nord CE 2, और ये भी बताएंगे कि इन दोनों में से CE 2 क्या सही में अपग्रेड है या फिर तो एक्साइटेड। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं डिजाइनिंग के बारे में। तो दोनों के दोनों फोन ये रहा आपके सामने, आप मुझे बताइए आपको कौन सा वाला डिजाइन पसंद आया? यही ना, नया वाला होगा तो वही पसंद आएगा। क्या जो भी है आप यहां पर दोनों फोन को सही से देख लीजिए, ये है Nord CE, ये है Nord CE 2। इसमें आपको बड़ा बड़ा कैमरा मिलता है, इसमें आपको मतलब नॉर्मल साइज का जैसा कैमरा मिलता है वैसा मिलता है, लेकिन यहां पर भी कंप्लीट ग्लास बैक नहीं है, यहां पर पॉलीकार्बोनेट प्लस ग्लास बैक का मिक्सचर करके कुछ है, लेकिन टोटली ग्लास बैक यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता। और बात करें इसकी तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट बैग मिलता है। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले में आपको यहाँ पर Nord CE 2 में 6.43 इंच का एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है, वो भी 90 हर्ट्ज़ का। इसके साथ आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी है। Gorilla Glass 5 है, इसका मतलब तो सारा छत से गिराऊंगा तो भी कुछ नहीं होगा। प्रोटेक्शन है इसका मतलब छत से गिरा देगा, समझे? ये था Nord CE 2 का डिस्प्ले। और इसके साथ अगर आप Nord CE को कंपेयर करेंगे तो कुछ डिफरेंस नहीं है, यहां तक कि पंचोल वाला छेद भी सेम टू सेम जगह पर दिया गया है। अब बात करते हैं रैम वेरिएंट्स के बारे में। 6128, 8128, CE 2 में बस यही दो रैम वेरिएंट्स अवेलेबल किया गया है। घबराइए मत, इसके साथ डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी दिया गया है, यानी कि आप अपना स्टोरेज को और इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ LPDDR4X का रैम टाइप और UFS का 2.2 दिया गया है। लेकिन इसी के साथ अगर आप CE को देखेंगे तो वहां पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं दिया गया था। वैसे इसी के साथ आपको प्राइसिंग भी बता देता है, 6128GB का प्राइस है 24,000 रुपए और 8128GB का प्राइस है 25,000 रुपए। इसके बाद अगर बात करते हैं कैमरा के बारे में तो यहां पर आपको 3 कैमरा मिलता है। ये नहीं है कैमरा, ठीक है, मतलब कि यहां पर मेन जो प्राइमरी सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का, उसके बाद 8 मेगापिक्सल है, उसके बाद 2। ये तो टट्टी है। हाँ पता है टट्टी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी दिया है तो क्या जो भी है। सामने के साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है और उसके अंदर जो सेंसर यूज किया गया है वो है सोनी IMX471। और तो इस मामले में, कैमरा के मामले में अगर आप Nord CE के साथ CE 2 को कंपेयर करेंगे तो मैं एकदम मतलब रिसर्च वगैरह करके वीडियोस वगैरह देखने के बाद आपको बता रहा हूँ, Nord CE 2 कैमरा के मामले में भी थोड़ा सा अपग्रेड ही है और इसमें ना बिल्कुल नेचुरल कलर शो होता है और स्किन टोन वगैरह भी एकदम ठीक ठाक रहता है, जहां पर Nord CE में हल्का सा ओवर सैचुरेशन देखने के लिए मिला है कहीं कहीं जगह पे। और क्या रह गया, परफॉर्मेंस। यस, मीडियाटेक की तरफ से आने वाला Dimensity 900 आपको मिलता है Nord CE 2 में। ये एक 6nm वाला प्रोसेसर है तो आपको बैटरी की तरफ से और परफॉर्मेंस की तरफ से चिंता करने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल मक्खन वाला एक्सपीरियंस आपको Nord CE 2 करवा देगा। इसके साथ इसका जो Antutu बेंचमार्क स्कोर निकल के आया Nord CE 2 का वो है कुछ 4,33,000 से भी थोड़ा सा ऊपर। लेकिन अब इसके साथ भी अगर आप CE को कंपेयर करेंगे ना तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, Nord CE के अंदर आपको Snapdragon 750G वाला प्रोसेसर दिया गया है जो कि 8nm का प्रोसेसर है, तो हाँ बिल्कुल एकदम बैटरी सेविंग के मामले में Nord CE 2 थोड़ा सा आगे है। और Antutu बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो वो कुछ 3,90,000 के आसपास आता है। तो बात करें डेली यूजेज के बारे में तो हाँ यहाँ पर दोनों फोन में कंपैरिजन करना मुश्किल है कि कौन सा फोन बेटर है कौन सा फोन खराब है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करूं तो Nord CE 2 थोड़ा सा अपग्रेड जरूर है। और क्या रह गया, सेंसर्स। हाँ सेंसर्स की बात करें तो सारे के सारे सेंसर्स फोन के अंदर दिया गया है, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर क्योंकि AMOLED डिस्प्ले है, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5mm हेडफोन जैक, NFC, ये सारी चीजें हैं फोन के अंदर, लेकिन अलर्ट स्लाइडर नहीं है। ये एक बटन पहले कंपलसरी था OnePlus के सारे फोनों में, लेकिन इस फोन में नहीं है, सी में भी नहीं है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पर ऑक्सीजन OS देखने के लिए मिलता है,
एंड्रॉइड 11 के ऊपर आया है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिलेगा, 12, 13 वगैरह का भी अपडेट मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh का बैटरी बैकअप है और 65 W का आपको यहाँ पर फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है। तो बताओ वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव या बेकार? पता चल गया ना ये डाउनग्रेड है कि अपग्रेड है, सारे कन्फ्यूजन क्लियर? तो देख क्या रहे हो भाई, मार दो, दूसरे किसी को नहीं मारने के लिए बोल रहा, लाइक मार दो। और एक काम आप कर सकते हैं, आपके दोस्त को भी फोन कीजिए और पूछिए कि ये वाला टॉपिक के ऊपर तूने वीडियो देखा, अगर वो कहता है ना, उठाओ इसको, भेजो उसको, बस चलो बाय। अकेला मैंने पूरा सीन बना डाला, तेरे जैसे चले को सिंग ना डाला, हिप हॉप में आ रहा था भाग भगा डाला।